गाइस, किसने सोचा था कि इस धरती का पानी जो पूरी दुनिया के अंदर 71% है उसे कोई बेचने निकल पड़ेगा और लोग उसको ऐसे खरीदेंगे जैसे वो एक बहुत ही कीमती पानी हो। यस, मैं बात कर रहा हूँ बिस्लेरी कंपनी के मालिक साइनोर फैलिस बिस्लेरी की, जिन्होंने एक ऐसी चीज सेल करके दिखा दी जिसको बेच पाना लगभग नामुमकिन था। एंड इस चीज में उनकी जो सेलिंग की टेक्निक थी, इसमें उसका सबसे बड़ा रोल था। उन्होंने कई अलग अलग तरह से मार्केटिंग करके लोगों को इस बात के लिए कन्वेंस कर ही लिया कि पानी तो कीमती है पर उनकी कंपनी का जो पानी है वो कहीं ज्यादा कीमती है। एंड इसी वजह से आज भी हम इस कंपनी की 10, 20, 50 या कितने की भी बॉटल को बहुत शौक से खरीद लेते हैं। वेल, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको बेचने की कला आती है तो आप लोगों को वो चीज भी बेच सकते हैं जो बिल्कुल फ्री में भी मिल जाती है। इसी वजह से सेलिंग की स्किल को सबसे पावरफुल स्किल माना जाता है, और जो भी ये सीख लेता है वो ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच पाता है बल्कि वो अपने आइडियाज इवन एक एक वर्ड को भी बेच देता है। तो इतने बेनिफिट्स जान लेने के बाद अगर आप भी एक सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जबरदस्त सेलिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू सेल एनीथिंग से लेकर सेलिंग की इम्पोर्टेंस एंड और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलिए बिना ज्यादा और डिले किए सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बाय, यानी लोग क्यों खरीदते हैं। अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग में ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि लोगों के अंदर अलग अलग एक्शंस उनको अलग अलग तरीके से सेटिस्फैक्शन देते हैं। यानी जब भी कोई कस्टमर किसी चीज को खरीदता है तो वो यही चाहता है कि जो भी चीज वो खरीद रहा है वो उसे फुल सेटिस्फैक्शन दे। अपने बिजनेस को खड़ा करने के बाद आपकी सेल होगी या नहीं, ये पूरी तरह से आपके बायर्स यानी कि आपके कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बाय करते हैं तो हमको ये लगता है कि इस चीज को खरीदने से हमको नया एक्सपीरियंस मिलेगा या इससे हमारी लाइफ में कोई नया चेंज आएगा। इसीलिए एक सेल्समैन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने कस्टमर्स की नीड को समझे और ये जान सके कि आखिर उसके कस्टमर्स किसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को कन्वेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके तब जब आप कोई ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो मार्केट में एटलीस्ट हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हुए कुछ डोज और डजंट होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके कस्टमर के परचेसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोज के बारे में। एक अच्छे सेल्समैन के तौर पर आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स के इमोशंस को समझना होगा और देखना होगा कि आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो आपसे किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। क्या उनको आपके किसी प्रोडक्ट में ऐसी चीज की कमी खल रही है जो अब तक मार्केट में नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज खरीदने से पहले लोग इस बात को जरूर सोचते हैं कि वो जिस भी चीज को खरीद रहे हैं उस पर जो दूसरे लोग होंगे वो कैसा रिएक्शन देंगे या फिर उनका उस चीज पर ओपिनियन क्या होगा। इसलिए बार बार अपने कस्टमर्स से सजेशंस लेते रहो और एनालाइज करते रहो कि लोग आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या क्या राय रख रहे हैं। फिर जो भी आपको मार्केट से हटकर कुछ भी यूनिक सुनने को मिल जाए उसको फौरन इम्प्लीमेंट कर दो। अब बात करते हैं कुछ डजंट्स के बारे में। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग किसी भी चीज को बेचने के लिए दो चीजों पर फोकस करते हैं, पहला तो प्रोडक्ट का प्राइस और दूसरी उसकी क्वालिटी। कोई भी चीज बेचने के लिए लोग या तो उसका प्राइस कम कर देते हैं या फिर उसकी क्वालिटी को अच्छा बना देते हैं, पर यकीन मानो ये दोनों ही चीजें लोगों के परचेसिंग डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती। इसीलिए सेल्स के दौरान इन चीजों पर फोकस करने की बजाय आपका मेन फोकस डिजायर्स फॉर गेन और फियर ऑफ लॉस पर होना चाहिए। डिजायर फॉर गेन का मतलब है ज्यादा पाने की इच्छा रखना और फियर ऑफ लॉस का मतलब है कुछ खो देने का डर सताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि नॉर्मल चीजों के बजाय लोगों का ध्यान उन चीजों पर ज्यादा जाता है जहाँ पर बाय वन और गेट वन लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज जो ऑफर पर चल रही है और उसके ठीक नीचे ये लिखा है कि ये ऑफर बस इसी टाइम के लिए है, तो ऐसी सिचुएशन में भी लोगों का ध्यान इस पर ज्यादा जाता है क्योंकि यहाँ पर उनको फेयर ऑफ लॉस का सिग्नल मिलने लगता है। वैसे अगर आप ब्रायन ट्रेसी की इस कमाल की बुक यानी साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग की पूरी बुक समरी ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो ये आप कूको एफएम पर बहुत ही इजीली सुन सकते हैं। कूको एफएम इंडिया का एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अलग अलग तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जैसे फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, बायोग्राफी एंड और भी कई टॉपिक्स पर ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाती है जिनकी डीप नॉलेज आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। वैसे इस एप्लीकेशन पर अगर आप जाकर इसका एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी जो नॉर्मल कॉस्ट होगी वो पड़ेगी आपको 399 रुपीज की, लेकिन कूपन कोड सेक्शन में अगर आप ये DH200 नाम से कोड ऐड कर देते हैं तो इसे ऐड करते ही आप इंस्टेंटली अपने 200 रुपए बचा सकते हैं। यानी कि इस कोड की मदद से आप सिर्फ 199 रुपीज में इसके पूरे साल का एक्सेस पा सकते हैं और ये दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। ओके,
तो अभी स्क्रीन पर आपको हर तरह के कस्टमर की कुछ नीड्स दिख रही होंगी। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप जिस भी नीड को एक यूनिक तरीके से फुलफिल करते हैं तो होपफुली आप सालों साल मार्केट में डोमिनेट करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है नो द पावर ऑफ रिकमेंडेशन। नाउ ये एक ऐसी चीज है जिससे हर सेल्समैन को हर टाइम अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इस बात को अवॉइड नहीं किया जा सकता कि एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज रिकमेंड करता है तो वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है। इवन आप नोटिस करेंगे तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और कोई चीज आपको पसंद आ जाती है तब भी आप मैक्सिमम जगहों पर अपनी फैमिली, रिलेटिव या अपने दोस्तों से ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके लिए उनका ये सजेशन बहुत मैटर करता है। सो एज अ सेल्स पर्सन आपको कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी बनानी होगी कि जो भी सजेशन आप अपने प्रोडक्ट पर अपने कस्टमर को दे रहे हैं उसे देखते ही या उसे सुनते ही आपका कस्टमर उस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। बेसिकली लोग ऐसे सेल्स पर्सन की बात ज्यादा सुनते हैं जो शांत, कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड होते हैं। तो अपने अपीयरेंस, एटीट्यूड और वॉइस को अट्रैक्टिव बनाकर आप अपने कस्टमर को अपनी बात मनाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप पहले ही इस चीज को इमेजिन करके रखिए कि जो कस्टमर आपके सामने खड़ा है आप उसे पहले भी कन्विंस कर चुके हैं एंड ये सेकंड टाइम है जब आपको उसको और भी कुछ समझाना है। इससे एक तो आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और आपका कन्विंस करना आपको इस हद तक बातों में लगा देगा कि वो लास्ट में आकर आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर जरूर कन्विंस हो जाएगा। तीसरा जरूरी पॉइंट है गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स। एज अ सेल्स पर्सन आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि आप ये पता करें कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, क्योंकि पैरेटो प्रिंसिपल की माने तो आपके सिर्फ 20% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा चीजें खरीदते हैं। इसीलिए आपको ये पता करना होगा कि आपके केस में वो 20% कस्टमर्स कौन हैं। एंड जब आपको आपके 20% टारगेट कस्टमर्स मिल जाएं तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। नंबर एक, ब्रेक प्रोस्पेक्ट प्री ओकेशन। जब भी आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉल करें तो कॉल लगते ही सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात न करें। बहुत से सेल्स पर्सन जो होते हैं वो यहाँ पर यही गलती करते हैं। इसकी जगह आपको उनसे ये पूछना चाहिए, हेलो सर, क्या आपके पास बात करने के लिए 2 मिनट्स हैं? या फिर ये कि क्या आपसे बात करने का ये सही टाइम है? और जब वो हाँ कह दे तो फिर अपनी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर टू, सेल द अपॉइंटमेंट नॉट द प्रोडक्ट। ब्रांड रेसी के माने तो अपने कस्टमर से फोन पे बातें करते हुए आपको कभी भी उनसे प्रोडक्ट या उसके प्राइस के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको अपने कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। नंबर तीन, चूज योर वर्ड केयरफुली। स्टडीज में ये शो किया गया है कि अपनी बातों से किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ 20 सेकंड्स होते हैं। 20 सेकंड्स में ही लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आपकी ये बात सुननी चाहिए या नहीं। एंड कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक है वो सेल्स पर भी अप्लाई होती है। इसीलिए जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें तो आपको 20 सेकंड के अंदर ही उसको कोई ऐसी चीज बतानी होगी जो या तो उसका ध्यान आपकी तरफ ले आए या फिर उसको सोच में डाल दे, जिससे वो आपकी आगे की बातें जानने के लिए क्यूरियस हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आप अपने कस्टमर के सामने उसके प्राइस का जिक्र नहीं करेंगे। आपको बस अपनी बातों से उसको ये फील करवाना है कि ये जो डील आप उसके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, जिसे एक फायदा मानकर वो इजीली कन्विंस हो जाएगा और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सो इस तरह से अगर आप इन पॉइंट्स को समझकर इनको किसी भी बिजनेस में यूज करते हैं तो होपफुली आप अपने बिजनेस की सेलिंग को कई गुना तक बढ़ा पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सेलिंग के इस डीप कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 था। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं आपको और भी कई ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप अपनी सेलिंग में एक जोरदार बूस्ट ला सकते हैं। तो अगर ये पार्ट आपको थोड़ा भी वैल्यूबल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पार्ट 2 भी जरूर लेकर आऊंगा। बाकी इस बुक की पूरी समरी अभी इसी वक्त सुनने के लिए आप कूको FM की हेल्प ले सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।